subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 26. Question is, Anjali is an electrician. Anjali electrician hai. She has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. Ek 5 meter ke pole par kuch fault aa gaya hai jise Anjali ko theek karna hai. She needs to reach to a point on pole of 1.3 meter below the top. Use ek particular point tak pahunchna hai jo ke ऊपर से पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे की तरफ है ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क. रिपेयर वर्क करने के लिए वहां तक पहुंचना है. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर. लैडर जो उसे यूज करनी है पोल तक पहुंचने के लिए उसकी लेंथ क्या होगी. शुड यूज विथ जो उसे यूज करना है. व्हेन इंक्लाइन टू एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. लैडर को आप 60 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड करते हैं पोल पर यानी हॉरिजॉन्टल यानी जो ग्राउंड है ग्राउंड पे लैडर 60 डिग्री का एंगल बनाती है और उस लैडर का यूज करके आप पोल पर चढ़ रहे हैं. अंजलि जो है चढ़ रही है. वुड एनेबल टू हर रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन. तो किस लेंथ की लैडर होनी चाहिए. फर्दर हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर. और पोल के फुट से लैडर का फुट कितनी दूर पर उसे प्लेस करना होगा. इसके अलावा एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. What values indicated from the question? Question से क्या value indicate होती है. तो सबसे पहले यहां पर जो चीज हमें दी हुई है हम उसकी हेल्प लेते हैं. हमें यहां पर जो है एक पोल दिया हुआ है. पोल 5 मीटर है. अब ये पोल का जो है ये टॉप पॉइंट है से ए एंड दिस इज फुट ऑफ द पोल दिस इज बी. टोटल ये कितना है 5 मीटर की लेंथ है टोटल पोल की. अब 1.3 नीचे यानी 1.3 मीटर नीचे एक पॉइंट सी जहां पर अंजलि को रीच करना है. अब अंजलि यहां पे लैडर को जो है अप्लाई करती है. लैडर को बनाया और लैडर का फुट जो है बी पे ये थोड़ा सा हम और ठीक से आगे एक्सटेंड करना होगा हमने. लाइक दिस और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं सो दैट नाउ इट्स लुक करेक्ट. तो ये पॉइंट बी हो गया. अब आप देखिए ये जो हो गई आपकी सी ये मैं डी ले लेता हूं. डी इज द फुट ऑफ द लैडर जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से. तो बी जो है वो फुट ऑफ द पोल है. डी जो है फुट ऑफ द लैडर है. डी सी जो है वो हमारी लैडर की लेंथ है जिसे मैं क्या ले लेता हूं एच ले लेता हूं. और इन दोनों के बीच में ये एक्स हो गया डिस्टेंस बिटवीन द लैडर फुट एंड पोल फुट. अब CB कितना होगा. अगर हम CB की बात करें तो 5 में से 1.3 को जब माइनस करेंगे तो 3.7 मीटर आपका ये आएगा. तो हम यहां पे लिख देते हैं बाकी इंफॉर्मेशन. फिर AB is लेंथ या हाइट ऑफ बेटर हाइट रहेगा हाइट ऑफ पोल. और यहां पे क्या हो जाएगा C is the point where Anjali has to reach, जहां पे उसे पहुंचना है. Therefore, CB कितना हो जाएगा. CB is equal to 5 minus 1.3 is equal to कितना हो जाएगा 3.7 मीटर हो जाएगा. अच्छा यहां पर मैंने क्या लिया है CD is length of ladder. CD लेंथ ऑफ लैडर है जिसे इक्वल टू मैं H ले रहा हूं. और X क्या है X इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड पोल. इन दोनों के फुट के बीच में जो भी आपकी लेंथ है वो X में ले रहा हूं. तो इस तरह के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना मस्ट है. साथ ही फिगर के अंदर आपने कौन सी चीज को क्या अज्यूम किया है वो भी लिखना आपको होगा. अब यहां पर देखिए इन ट्रायंगल CDB जो कि एक राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री का यहां पे बनाएगा. मैं यहां पर क्या ले लेता हूं साइन 60 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है CB हाइपोटेन्यूज है यहां पे CD. अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2. CB आपने जो है 3.7 दिया है और CD H है. Now H कितना आ गया H is equal to
2 इंटू 3.7 इंटू रूट अपॉन में रूट 3, ये कितना आएगा, ये 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा यहां पर कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7 7.4 अपॉन में रूट 3, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं 7.4 रूट 3 अपॉन में 3। ये एच आ गई हाइट ऑफ लैडर, ये तो आपकी हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ लैडर आ गई, लेंथ ऑफ लैडर। दूसरा आपको उनके बीच में डिस्टेंस भी निकालना था, तो डिस्टेंस कैसे आएगा, तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल अगेन सी बी डी, अब आप क्या निकाल दीजिए 10 60 डिग्री जब आप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगा, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है सी बी और बेस यहां पर क्या है बी डी, 10 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है, सी बी की लेंथ कितनी है 3.7 है और बी डी, बी डी एक्स है, तो एक्स कितना आ गया 3.7 अपॉन में रूट 3, जो कि कितना आएगा 3.7 रूट 3 अपॉन में 3, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करा रहा हूं, तो ये क्या आ गया दोनों के बीच में लेंथ, और यही हमने पता नहीं थी।